सवाल ये कि क्या देश बड़े बिजली संकट की कगार पर है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि ना तो देश में कोयले की कमी है, ना ही बिजली संकट आने वाला है। अब से कुछ ही देर पहले कोयला मंत्रालय की तरफ से बयान जारी करके ये कहा गया कि पावर प्लांट की मांग के मुताबिक पर्याप्त कोयला मौजूद है, बिजली संकट आने के कयास महज अफवाह है। कोयला मंत्रालय ने यह भी बताया कि इस साल कोयले के बिजली का उत्पादन 24% तक बढ़ा है। तो सरकार भले ही दलीलें दे रही है, लेकिन कई राज्यों में कोयले की कमी से बिजली संकट दिखना शुरू हो चुका है। तो क्या है आखिर जमीनी हकीकत, क्या सच्चाई वही है जिसका दावा ऊर्जा मंत्री ने किया, या फिर बात कुछ और है? आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। बिजली संकट की वजह से पहले चीन में हालात खराब हुए, अब लेबनान की राजधानी बैरूत में कल की पूरी रात लोगों को अंधेरे में बितानी पड़ी, और अब भारत के करोड़ों लोगों पर भी अंधेरे में रहने का संकट मंडरा रहा है। बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत भी बिजली संकट की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि संकेत तो यही मिल रहे हैं कि भारत में भी बत्ती गुल होने वाली है, क्योंकि जून में पावर प्लांट्स में 17 दिनों का कोयला का स्टॉक मौजूद था, जबकि अक्टूबर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स के पास सिर्फ 4 दिन का कोयले का स्टॉक है। लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि कोयले का कोई संकट नहीं है, देश में बिजली की कोई किल्लत नहीं आने वाली है। हमारे पास आज के दिन में 4.5 दिन का रिजर्व स्टॉक है, ये रिजर्व स्टॉक है। हमको प्रतिदिन जितने कोयले की खपत जरूरत होती है उतना हमको रेक से आता है, प्रतिदिन 1.75 मिलियन टन हमको प्रतिदिन उतना आ रहा है। रेनी सीजन के पहले हम स्टॉकिंग करते हैं, तो अब पिछले रेनी सीजन के पहले हमने जून तक स्टॉकिंग किया, 17 दिन का स्टॉक था। उसके बाद फिर बारिश आई, तो बारिश में कोल माइंस फ्लडेड हो जाती है, प्रोडक्शन बंद हो जाता है, तो हमारा जो रिजर्व स्टॉक है वो चलता है, अब वही चल रहा है, अभी 4.5 दिन का बचा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने ये जरूर कहा कि कुछ महीनों पहले तक देश में बिजली उत्पादन के लिए जो स्टॉक करीब 17 दिन का रहता था वो आज की तारीख में 4-4.5 दिन तक पहुंच गया है, लेकिन उसकी वजह रही है मानसून सीजन, क्योंकि मानसून के दौरान कोयला खदानों में पानी भरने और मालगाड़ी के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में हो रही दिक्कतों के चलते इसमें गिरावट आई है। लेकिन केंद्रीय ऊर्जा मंत्री उम्मीद जता रहे हैं कि आने वाले कुछ हफ्तों के दौरान स्थिति में खासा सुधार देखने को मिल सकता है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह भले ही दावा कर रहे हों कि ना तो कोयले का संकट है, ना ही बिजली की दिक्कत होने वाली है, लेकिन कई राज्यों ने केंद्र सरकार से कोयले की कमी की अपनी चिंता जाहिर कर दी है। खासकर दिल्ली की तरफ से मुखरता से आवाज उठाई गई है, पर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री के मुताबिक दिल्ली में बिजली की कोई किल्लत नहीं है। टाटा पावर के सीईओ ने एकदम बिल्कुल नासमझी से सभी कंज्यूमर्स को मैसेज भेज दिया कि हमको साहब ये लोड शेडिंग करना पड़ सकता है। व्हाट नॉनसेंस साहब, हमारे पास रिजर्व है, आप वह आपका बंद है, आप रिजर्व से ले लीजिए, अगर गैस प्लांट एक बंद होता है तो आप रिजर्व से ले लीजिए। आप ये कैसे मैसेज भेज दिया आपने, ये इरेस्पॉन्सिबल एक्शंस के कारण। वैसे हमने सीएमडी गेल को बुलाया था और हमने उसको कहा कि साहब ये कॉन्ट्रैक्ट अगर ये टाटा पावर से रिन्यू होना है तो करेगा वो रिन्यू, या दिल्ली गवर्नमेंट को रिन्यू करना है अपना गैस बेस्ड प्लांट का ये सप्लाई के लिए आपसे, तो दिल्ली गवर्नमेंट करेगी। ऊर्जा मंत्री के इस बयान पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भड़क गए। उन्होंने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि संकट पर केंद्र आंखें बंद कर लेता है। पूरे देश से आवाज उठ रही है कि कोल क्राइसिस है, और ये कोल क्राइसिस अल्टीमेटली पावर क्राइसिस में तब्दील हो सकता है, जिसका बहुत बड़ा संकट देश को झेलना पड़ेगा। देश ठप हो जाएगा, देश का सिस्टम ठप हो जाएगा अगर पावर क्राइसिस खड़ा हो गया तो। आज दिल्ली की सरकार ने लिखा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने केंद्र सरकार को लिखा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार को लिखा, पंजाब की सरकार कह रही है, यूपी की सरकार कह रही है, गुजरात की सरकार भी कह रही है कि साहब पावर कोल का क्राइसिस है, राजस्थान की सरकार कह रही है, कई राज्य सरकारों ने बताया है कि वो किस तरह से पावर कट प्लान कर रहे हैं, और केंद्र सरकार कह रही है कि कोई क्राइसिस नहीं है। इसका मतलब केंद्र सरकार क्राइसिस को हल नहीं करना चाह रही, या केंद्र सरकार के पास कोई समाधान नहीं है। अगर हल नहीं करना चाह रहे, समाधान नहीं है, तब भी तो
पहले क्राइसिस को स्वीकार तो करो। अब सवाल ये है कि सच कौन बोल रहा है। देश के ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार कह रही है कि दिक्कत है। कई राज्य भी कह रहे हैं कि दिक्कत है। देश में पैदा होने वाली 70% बिजली थर्मल पावर प्लांट से आती है। 135 पावर प्लांट कोयले से चलते हैं। 3 पावर प्लांट्स में 3 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 69 प्लांट्स में 4 दिन से भी कम का कोयला बचा है। 13 प्लांट्स में 5 दिन से कम का कोयला बचा है। 23 प्लांट्स में 7 दिनों से भी कम का कोयला बचा है। ऊर्जा मंत्री की बातों को सही साबित करने के लिए उनके समर्थन में केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी सामने आए, ट्वीट करके कोयला उत्पादन का हिसाब बताया। प्रहलाद जोशी ने अपने ट्वीट में लिखा कि कोल इंडिया ने अब तक सबसे अधिक कोयला उत्पादन एवं आपूर्ति की है। इस वर्ष 263 एमटी कोयला उत्पादन के साथ सीआईएल ने पिछले वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 6.3% की वृद्धि दर्ज की है। साथ ही 323 एमटी के साथ गत वर्ष से 9% अधिक कोल ऑफटेक किया है। यानी केंद्र के दोनों मंत्रियों के मुताबिक कोयला भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और बिजली की कोई कमी नहीं हो रही है। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। महाराष्ट्र की बात करें तो बिजली उत्पादन में हुई कमी की वजह से दूसरी ग्रिड से बेहद महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ग्राहकों को 7 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली बेचती है, लेकिन पैदा हुए संकट ने सरकार को दूसरे ग्रिड से 20 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदने पर मजबूर कर दिया है। ये संकट इसलिए पैदा हुआ है क्योंकि महाराष्ट्र में बिजली पैदा करने के लिए जितने कोयले की जरूरत है उसका सिर्फ आधा कोयला ही मिल पा रहा है। रोजाना 1.5 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत, अभी सिर्फ 75,000 मीट्रिक टन कोयला मिल रहा है। 3 पावर प्लांट की 14 यूनिट्स बंद हो चुकी हैं। जाहिर है उत्पादन कम होगा तो बिजली कटौती होगी ही। इसी की वजह से कई राज्यों में शहरों से लेकर गांवों तक में बिजली कटौती शुरू भी हो चुकी है। बिहार की बात करें तो गया में पिछले एक हफ्ते से बिजली ज्यादा कट रही है। आम लोगों के साथ साथ घर से दूर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे छात्र भी परेशान हैं। ये स्थिति 5-6 दिन से बहुत ही दयनीय है। खासकर जब नाइट का समय आता है तो 7-6 बजे से लाइट कटनी शुरू हो जाती है और हमारे साथ जुगनू जैसा आँख में चोली खेलती है। रात में 3-4 घंटा काट देती है और दिन में भी पढ़ने में दिक्कत होता है, परेशानी होता है। ऐसा ही हाल बेगूसराय का भी है। बरौनी थर्मल पावर भी कोयले की किल्लत झेल रहा है। कुछ दिन पहले बेगूसराय में 22 घंटे बिजली रहती थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से बड़ी मुश्किल से 12-14 घंटे ही बिजली मिल रही है। और ये कटौती सिर्फ बिहार में ही नहीं हो रही है, बल्कि देश के कई राज्यों में इस वक्त बिजली काटी जा रही है। पंजाब के कई इलाकों में 4-4 घंटे की कटौती, यूपी के कई इलाकों में 4-5 घंटे की कटौती, राजस्थान में राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में 4 घंटे की कटौती हो रही है। और देखिए, अगर बिजली संकट बढ़ता है तो गांव से लेकर शहरों तक में बिजली कटौती के घंटे बढ़ते हैं, तो साफ तौर पर लोगों को परेशानी होने वाली है। और चूंकि यूपी में अगले कुछ महीनों के बाद ही चुनाव होने वाले हैं, तो सवाल यह है कि क्या इस संकट का असर यूपी चुनाव पर भी पड़ सकता है। देखिए रिपोर्ट। देश में कोयले की कमी की खबरें हैं। कहा जा रहा है कि इसकी वजह से बिजली संकट की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा कोई संकट नहीं है, लेकिन खबरें ये भी आ रही हैं कि कई राज्यों में बिजली कटौती शुरू की जा चुकी है। जाहिर है इससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम के जो अपने ताप बिजली घर हैं, अनपारा, ओबरा, परीक्षा और हरदुआगंज, इसमें परीक्षा और हरदुआगंज में लगभग कोयला समाप्त हो गया है। ओबरा में 2 दिन का कोयला है, अनपारा में 2.5 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश का भी बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लगभग 1,500 मेगावाट के बिजली घर उत्तर प्रदेश के उत्पादन निगम के बंद हैं। इसकी वजह से यूपी के ग्रामीण इलाकों में 4-5 घंटों की बिजली कटौती शुरू हो चुकी है, जबकि शहरी इलाकों में अघोषित बिजली कटौती हो रही है। और हाल फिलहाल में ये संकट कम होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि इस वक्त यूपी में बिजली की जो डिमांड और सप्लाई है उसमें बड़ा अंतर है।
मौजूदा वक्त में यूपी में 21,000 मेगावाट बिजली की डिमांड है, लेकिन अभी सिर्फ 17,000 मेगावाट बिजली की ही सप्लाई हो पा रही है, यानी 4,000 मेगावाट बिजली की कमी यूपी को इस वक्त हो रही है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि आने वाले वक्त में ये संकट और ज्यादा बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पावर प्लांट्स को कोयला उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी कोल इंडिया की है। पावर प्लांट को वो कोयला देते हैं, फिर पावर प्लांट उसे भुगतान करते हैं, लेकिन यूपी के कई पावर प्लांट्स पर कोल इंडिया का सैकड़ों करोड़ रुपया बकाया है। कोल इंडिया ने उत्तर प्रदेश को कोयला देने से मना कर दिया, क्योंकि 2500 करोड़ रुपए का कोल इंडिया पर बकाया था उत्तर प्रदेश का उत्पादन निगम का। उत्पादन निगम ध्यान रहे सबसे सस्ती बिजली देती है, 2 रुपए की बिजली देती है उत्तर प्रदेश को, और उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का 9,000 करोड़ रुपए का बकाया है जो उत्पादन निगम को वो नहीं पेमेंट कर पा रहा है। लेकिन बड़ी मुश्किल ये नहीं है, बड़ी मुश्किल ये है कि अगले कुछ महीनों बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव हैं। जाहिर है अगर बिजली संकट बढ़ता है तो बिजली की कटौती भी बढ़ेगी, जिससे लोगों को भारी परेशानी होगी। त्योहारों का मौसम है, इसलिए बिजली की डिमांड भी बढ़ने वाली है। सबसे ज्यादा कटौती इस वक्त पूर्वांचल और मध्यांचल के इलाकों में हो रही है, और चुनाव के लिहाज से ये दोनों इलाके बेहद अहम है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 21 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की 130 सीटें हैं। मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में 19 जिले आते हैं, जिसमें विधानसभा की 116 सीटें आती हैं। यानी बिजली कटौती का असर यूपी के 40 जिलों की 246 विधानसभा सीटों पर पड़ सकता है। जाहिर है अगर बिजली संकट को दूर नहीं किया गया, कोयले की कमी दूर नहीं हुई, तो यूपी चुनाव पर इसके असर से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखना ये होगा कि यूपी सरकार इस संकट से निकलने के लिए क्या करती है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।